हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे टीचर्स रिकॉर्ड का फ्रंट पेज है। ये इसी ईयर का है, 22-23 का। ठीक है, ये इसमें मेरा टीचर्स डायरी भी है और लेसन प्लान भी है। तो इसका जो ये फ्रंट पेज है, यहाँ पर सबसे पहले टीचर का नाम हो गया है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, क्वालिफ़िकेशन क्या है वो यहाँ पर लिखी गई है, और अपॉइंटमेंट डेट क्या है, कितने ईयर हो गए, क्या क्या सब्जेक्ट टीच करते हैं वो सब यहाँ लिखे गए हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितने पीरियड ले रहे हैं, वो सब यहाँ फ्रंट पेज में सारा मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ से हमारी डायरी शुरू हो रही है। ये लेसन प्लान भी है और टीचर्स डायरी भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का लिया गया, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास लिखी गई है, सब्जेक्ट लिखा गया। अब इंग्लिश का ये इसमें एनसीईआरटी का कंटेंट लिया गया, एनसीईआरटी का इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी है, और ईवीएस अदर पब्लिकेशन का है। तो इंग्लिश का है लेसन 4 आई वांट। ठीक है, आई वांट का के टॉपिक क्या क्या है वो मैंने पहले यहाँ पर लिखे हैं। देखिए टॉपिक में कि एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर इसमें बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन है, फिर वी शुड बी हैप्पी इन हु आर वी आर, हमें मतलब खुश रहना चाहिए जो भी हैं हम हैं, और नाउन भी इसमें कराई जाएगी, सब टॉपिक रहेंगे। अच्छा, इस टीचर में ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे, तो टू नो अबाउट डिफरेंट बिटवीन एनिमल्स बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, फिर सेकंड लिख दिया द मूवमेंट एक्शन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, आउटकम क्या होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अब फर्स्ट लिख दिया डिफरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स लाइक वाटर एंड वाइल्ड एनिमल, सेकेंड इंट्रोड्यूस टू मोर कलेक्टिव नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ एंट्स एंड अ बंच ऑफ फ्लावर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर लिया गया है लेसन 5 अ स्माइल, ये एक पोएम है। तो यहाँ पर क्या क्या टॉपिक रहेंगे, तो पोएम रिसाइटेशन है, फेस एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर है आगे लिखा है टॉपिक में हैप्पी एंड सेड फेस ड्राइंग है, ये सब बच्चों को बताई जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव रहेगा टू नो अबाउट एक्सप्रेशन एंड एक्शंस। ठीक है, अब आउटकम क्या रहेगा इसका, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लिसन टू इंग्लिश वर्ड्स एंड ग्रीटिंग पोलाइट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह से हम इसका आउटकम लिख सकते हैं। फिर लेसन 6 लिया गया द सन एंड द विंड। ठीक है, तो इसमें क्या टॉपिक रहेंगे, तो द सन, द विंड, स्टोरी नरेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑपोजिट वर्ड एंड प्रोनाउन, ये सब इसके टॉपिक रहेंगे। अब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो टू नो अबाउट द सन ब्रिंग्स लाइट, वार्म्स एंड जॉय टू द वर्ल्ड, विदाउट सन शाइन व्हाट वुड हैपन टू ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। फिर अपोजिट वर्ड, हॉट कोल्ड, ये सब पढ़ाया जाएगा, अपोजिट वर्ड्स बताए जाएंगे। आउटकम क्या होगा इस चैप्टर का, तो आउटकम मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टोरी, यूजेस प्रोनाउन रिलेटेड टू जेंडर, इस तरह से इसका आउटकम लिख सकते हैं। ये 3 चैप्टर का मैंने यहाँ पर, इंग्लिश के 3 चैप्टर है, एनसीईआरटी के लेसन प्लान है और टीचर्स डायरी भी है ये, और इनसे रिलेटेड ये देखिए पिक्चर्स मैंने बना दिया, स्माइल पढ़ाया जाएगा पोएम, तो मैंने स्माइली फेस बना दिया है। यहाँ पर लेसन द सन एंड द विंड, इसके बारे में तो ये द सन, सन की पिक्चर बना दी है। प्रोनाउन पढ़ाए जाएंगे, तो प्रोनाउन किस तरह समझा दिया गया है, प्रोनाउन तो क्या क्या प्रोनाउन है, यहाँ थोड़े से इन बलून में बना दिए गए हैं। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो 75, ये इस तरह से मैंने इसका लोगो बना दिया है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आगे के चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।